राधे राधे, आपका स्वागत है गौरी गोपाल न्यूज में। आप दर्शन कर पा रहे हैं, पूज्य महाराज जी आ जाए हैं यहाँ सिया रामदास महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए। आपने देखा होगा बड़े ही सुंदर तपस्वी दिव्य संत हैं, ऐसे दुर्लभ संत जिनके दर्शन करने मात्र से पापों का नाश होता है। ऐसे में पूज्य श्री महाराज जी आज यहाँ आए हैं, यहाँ कथा चल रही है, तो ये सौभाग्य मिला है कि उनके दर्शन कर सकते हैं और आप तक ये वीडियो पहुँचाते हुए दर्शनों से आपको जोड़ सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद भी पूज्य श्री श्री रामदास महाराज जी जो है अपने जो नित्य कार्य हैं, जो उत्तरकांड अभी चल रहा है रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और यहाँ दर्शनों के लिए लोग आए हुए हैं। बड़ी प्राचीन उसमें महाराज जी अभी यहाँ रहते हैं। कभी पहले महाराज जी की यहाँ कथा हुई थी 14-15 साल पहले, और उस समय महाराज जी यहाँ दर्शन के लिए आए थे और महाराज जी विशेष प्रेम करते हैं श्री रामदास महाराज जी से। बिना चश्मे के, इतनी उम्र होने के बाद भी बिना चश्मे के आराम से पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। महाराज जी स्नेह के साथ में निहारते हुए और एक कृपा दृष्टि की बरसात पूज्य श्री श्री रामदास महाराज जी की पाने के लिए भक्त लालाहित हैं। श्री चरणों में बैठे पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद प्राप्त करते हुए महाराज जी कई बार कथाओं में कई बार महाराज जी श्री रामदास महाराज जी के बारे में बोल चुके हैं। आज उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए आप सब तक ये वीडियो पहुंचाने का उद्देश्य यही है कि आप भी ऐसे दिव्य महापुरुष के दर्शन कर सकें और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ये प्राचीन मंदिर माँ नर्मदा के पावन तट पर विराजमान है और बड़ी सुंदर यहाँ सुगंध है और ये नर्मदा माँ का पावन तट है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था यहाँ पूज्य श्री सिया रामदास महाराज जी से जुड़ी है। और पूज्य महाराज जी आगे निकल चुके हैं, ये यमुना का पावन तट है, आप दर्शन कर सकते हैं। रात्रि वेला है तो शायद आप तक वहाँ ये पावन तट है नर्मदा का दर्शन आप कर सकते हैं। रात्रि है, लाइट नहीं है। अब आगे चलते हुए
तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। कमेंट करके आप दर्शन करते रहें और कमेंट में आप जो बताते रहें कि किस मुद्दे पे वीडियो बनानी है वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। जय श्री कृष्णा।